सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी भाई सभी भाइयों ने। तो गाइज, ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गई थी गोल्डन टेंपल घूमने के लिए। गोल्डन टेंपल को हरमंदर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर सब कुछ कहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी थी हमारी भूमि यानी अमृतसर। तो हम यहाँ से गए, पहले हमने पहले पूरा वैष्णो देवी घूमा, वैष्णो देवी से उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्रेन ली जो कि डायरेक्ट हमें अमृतसर छोड़ी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे हमने अपना सारा सामान वगैरह उतारा और हम सभी का वेट कर रहे थे कि सभी लोग अपना अपना सामान जो है वो उतार के इकट्ठा हो जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना लगेज जो है वो इकट्ठा किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैरी को भी बड़ा शौक है कि एक बैग मुझे बेच रही है। उसके बाद फिर हमने हमारी भूमि को टच किया और उस चीज़ को आगे प्रोसीड किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकल चुके थे स्टेशन से बाहर। तो ये एग्ज़िट एरिया है, यहाँ पे गोल्डन टेंपल जो है वो मिरर में रखा गया है, आगे भी पीछे पीछे भी, यानी स्टेशन के आगे भी स्टेशन के पीछे भी। तो मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखा देती हूँ। स्टेशन जो है वो दिखने में कुछ इस टाइप का है जैसे अपना है, सेम ऐसा ही थोड़ा बहुत है। इंटीरियर रेड बाहर बना हुआ है। स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें। तो बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरे पंजाब में आपको जगह जगह पे पानी के जो स्टॉल्स हैं, इनफैक्ट कई जगहों पे तो ऐसा था कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की पूरी सील्ड बॉटल मिल रही थी। तो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड इन फैक्ट आई एन्जॉयड अलॉट माई दिस जर्नी। सो उसके बाद फिर हमने यहाँ ऑटो किया, ऑटो में हम बैठ गए। उसके बाद यहाँ से अब पूरा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो चलिए बिना रुकावट के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस चलो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, अराउंड 7 या 7:30 हम पहुँचे थे। तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो वैष्णो देवी से यहाँ के लिए कई डायरेक्ट मिल जाएंगी, कई जो है वो कटरा से चेंज करने के लिए मिलेगी। तो जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर कटरा से ट्रेन जो है वो चेंज की थी। तो ये यहाँ का नाइट व्यू है, इवनिंग व्यू है, आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल और इतनी ज़्यादा गैदरिंग के साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, रौनक मेला बाबे दे घर लग गया होया सी। और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। अगर आप एक बार यहाँ चले जाओगे ना, वापस आने का मन नहीं करेगा। हम रूम पे पहुँचे बिना लेट किए, हम सभी यहाँ फटाफट रेडी हो गए। रेडी होने के बाद उसके बाद फिर हम निकल चुके थे यहाँ पे। मॉर्निंग हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि हम रात में पहुँचे थे और फ्रेशन अप होते होते सुबह हो ही गई थी। फिर हमने यहाँ रूम वगैरह लिया और सारा कुछ सेटल किया। किसी को अगर रूम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको कभी भी यहाँ पर जाना हो तो। उसके बाद फिर हम यहाँ आए। यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह पे ना ऐसे पानी के ना स्टॉल टाइप के लगे होंगे, आप यहाँ पे आराम से बाटे में पानी लेके पी सकते हो। गाइस यहाँ ग्लासेस नहीं मिलते हैं पानी के, आपको बाटा मिलेगा, इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो कटोरी मिलेगी, उसमें आप इजीली पानी पी सकते हो। ठंडा एकदम कूल कूल पानी आपको मिलेगा। तो यहाँ फिर हम ना चाय पीने आए। चाय 24 आवर्स है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं सारी चीज़ें इस पूरे व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी। जो भी लोग नए हैं या नहीं गए हैं यहाँ पे या जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आओ आप सभी अब हाथ जोड़ के बैठ जाओ और दर्शन कर लो दरबार साहिब के, जो कि एक, मतलब आप कह सकते हो ना कि धरती पे स्वर्ग है। मतलब सीरियसली मुझे इस वीडियो को वॉइस एडिट करते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जाने के बाद। तो गाइज आप सब भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ना दर्शन किए बाबा जी के। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल चुके थे आगे के लिए। यहाँ मेरे भाई लोग पीछे, सरोवर है गाइज ये, और गुरु रामदास जी का सरोवर है, उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पर नहाया था। और यहाँ पर नहाने से आपके बहुत सारे
कष्ट, आपके पाप, जो आपने गलतियाँ की होती हैं वो माफ़ की जाती हैं। उसके बाद यहाँ प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ पे लाइन में लग गए और एटलीस्ट एक घंटा तो लग जाता है लाइन में, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो सभी लोग इस समय जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन जगहों पे ज़्यादा जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन थी, बट कोई बात नहीं, हम लोग वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए अंदर चले गए और बहुत आराम से हमने यहाँ पे खुले दर्शन किए। और अंदर जो है ना वो कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो अंदर की वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाई हूँ, ये सिर्फ बाहर का इंटीरियर है। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्ड की हैं, यानी सोने का है, इसीलिए इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल। ओके, सो द होली प्लेस ऑफ सिख। सो हम यहाँ पे आए, इनफैक्ट आपने आपकी जीके की बुक्स में भी पढ़ा होगा ये। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर कीर्तन सुना, उसके बाद फिर हम यहाँ आगे के लिए प्रोसीड किए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे जाएं और अगर आपको अमृत चाहिए तो बाहर से आपको 30 रुपीज़ की केनी मिलेगी और आपको 50 में दो भी मिल सकती हैं बार्गिन करने पे। ये यहाँ पे बेरी साहिब का इतिहास लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में लिखा है। हम बाहर निकले, उसके बाद हमने यहाँ पे ना हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे टी शर्ट्स खरीदी, और ये जो टी शर्ट्स थी ये जस्ट 150 में आराम से मिल जाती हैं। इसमें कोड्स लिखे होते हैं लाइक बेबे बापू दी जान और बुआ की जान, मासी की जान, माई डैड इज़ माई ATM, इस तरीके के कोड्स लिखे रहते हैं। गाइज हम यहाँ पे टोटल 4 डेज स्टे किए थे, तो हम डेली जाते थे, लाइक तीनों टाइम जाते थे और आराम से दर्शन सरोवर के पास बैठते थे। ये यहाँ का बैक साइड का व्यू है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ फाउंटेन लगा हुआ था और ना कुछ मिनट का गैप होता था, उसके बाद धीरे से जो फाउंटेन है वो ऑन हो जाता था, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे गैदरिंग ऐसी इकट्ठा रहती थी, और जैसे ही वो ऑन होता था सबकी वीडियोज स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने भी उसी टाइम से ऑन कर रखा था कि जैसे ही आएगा मैं तुरंत कैप्चर करूँगी। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो लोग ना फाउंटेन के अंदर ऐसे पैर डाल के आराम से बैठे हुए हैं, बड़े बच्चे सबको यहाँ पे इंजॉय करता है, और लाइक अच्छा भी लगता है कि चलो बाबा जी के पास भी आए और लाइक लोग सेवा भी बहुत करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मम्मी डैडी की फ़ोटो हो रही थी, फिर यहाँ पे आप गमले देखो कितने ब्यूटीफुल हैं, और फिर यहाँ पे मैं बैक से आपको दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा है। जो लोगों को लाइक पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए यहाँ व्हील चेयर फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे शनि देव का प्राचीन मंदिर था, यहाँ पे ना आइसक्रीम बट गई थी, बाद में बटी, पहले हम मार्केट जा रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे मंदिर का व्यू दिखाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे ना मार्केट चारों दिशाओं में है, आगे पीछे, लाइक अगर आपको यहाँ पे गुरुद्वारे के 4-5 मुख्य द्वार है ना, तो हर एक कोने में आपको मार्केट यहाँ पे मिलेगी। मार्केट के लिए आपको बार्गिन भी करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे स्पेशली आपको सूट मिलेंगे, फुलकारी चुन्नियाँ मिलेंगी, जूतियाँ मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे कड़े हैं, लाइक स्टील के कड़े होते हैं जो आपने हर सिख के हाथ में ज़रूर देखा होगा। तो ये देखो यहाँ पे आज शनिदेव जी का आई थिंक बर्थडे था, तो यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम बांट रहे थे, तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम ली और उसके बाद अपने आइसक्रीम इन्जॉय की। हमको लेना था पोस्टर जिसके रिगार्डिंग हम आए हुए थे इन अंकल की शॉप पे, तो पोस्टर लेकर के, जैसे आपने मेरे घर पे भी देखा होगा जो लगा हुआ है ना, वो हमने यहीं से ही लिया था। हम पोस्टर ले आते हैं, उसको फिर यहाँ पे आके पॉलिश करवा के अच्छे से मड़वा लेते हैं, फ्रेम करवा लेते हैं। फिर हमने यहाँ आइसक्रीम खाई, लाइक पहले जाते हुए भी खाई, आते हुए भी खाई, आराम से कैच कर करके मिल रही थी। मेरा भाई और उसका दोस्त लाइक इतने टॉल हैं कि ये जो DCM खड़ा था यहाँ तक ये पहुँच जा रहे थे और वहाँ से कैच करा करा के हमें पास करा रहे थे। उसके बाद फिर हम यहाँ चले गए थे लंगर हॉल के लिए, लंगर करने के लिए। तो यार यहाँ पे क्या है ना कि हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं, फिर ना मैं और मेरा भाई यहाँ सेवा कराने आए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्तन जो हैं वो किस तरीके से धुले जाते हैं। वहाँ साइड में सारी जूठन जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद फिर सर्फ़ वाले पानी में, फिर नॉर्मल पानी में, फिर प्रॉपर प्लेट को सुखा करके दिया जाता है। फिर हम यहाँ चले गए थे हमारे रूम के लिए,
लिफ्ट में बैठे। हमारा फ्लोर जो था वो सेकंड फ्लोर पे था और यहाँ मैं भाई जो है, क्योंकि हम लोग सेवा करा के लेट आए थे तो फिर हम भाई लास्ट में यहाँ पे गए। उसके बाद फिर हम अपने रूम पे जो है वो पहुँच चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, हम फिर से रेडी हो करके निकल चुके थे गुरुद्वारा साहिब के लिए। गुरुद्वारे में जाने के लिए सबसे पहले जो है वो अपनी चप्पलें ज़रूर जमा करा दीजिए। अगर आप सोचें कि आप लाइक अपनी चप्पलें जो है वो लवारिस फेंक दें तो वो आपकी गलती होगी। मॉर्निंग में यहाँ हमने चाय पी, चाय के साथ ब्रेड था, कभी टोस्ट होता है तो कभी कुछ होता है। उसके बाद ये यहाँ पे ये देखो सब लोग बैठ के यहाँ पे चाय पीते, ये चाय का एरिया है, यहाँ से आपने चाय पीनी है। और जस्ट अपोजिट साइड से आपको प्लेटें मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे जितनी भी बीबियाँ हैं ये सारी बैठ के यहाँ पे लहसुन छील रही हैं, साइड में देखो कद्दू रखे हैं, कोई आलू छील रहा है तो कोई मिर्ची छील रहा है, सेवा कराते हैं। ये देखो नीचे से यहाँ पे आने का रास्ता है चाय के लिए। यहाँ देखो जिनको ना शुगर है तो शुगर फ्री टी भी है, देखो मेंशन है हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में। यहाँ पे आपको प्लेट मिलेगी, आगे चल के आपको बाटा मिलेगा, उसके बाद आगे चल के चम्मच मिलेगा। यहाँ पे लंगर के दो तीन हॉल हैं अलग अलग, वहाँ पे आप आराम से जाके लंगर कर सकते हो। फिर हम नीचे आए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्नान किया। आप जितने दिन हो आप यहाँ पे स्नान ज़रूर करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेरी साहिब के नीचे ही स्नान कीजिएगा। ये साइड में बेरी साहिब है, यहाँ पे एक पेड़ है जिसको कि लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ग्रीन किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे ना उनको पानी नहीं देना है, ये मेंशन है। मैंने आई थिंक छोटा सा वीडियो भी बनाया, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप ज़रूर देखना। तो आ जाओ आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे गुरुद्वारे में आने का रास्ता यहाँ से है, चार तरीके से आप आ सकते हो, यहाँ पे चार बड़े गेट हैं, आराम से आप आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप आके मत्था टेको, मत्था टेकने के बाद आपने यहाँ से डायरेक्ट सीधे जाना है। सीधे जाने के बाद आपको सामने ही प्रसाद मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से प्रसाद खरीदो। प्रसाद कराने के बाद आप वो प्रसाद की पर्ची वहाँ सबमिट कर दो और प्रसाद वहीं पर ही सबमिट हो जाता है। देन आफ्टर आप आगे आ जाओ, लाइन में लग जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बाबा जी के दर्शन करो, जो विश आपने मांगी हो उस विश को मांगो। उसके बाद उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है और यहाँ तक आने का रास्ता दिखाया है। तो उसके बाद फिर यहाँ ना जैसे कॉर्नर में ही जो ये सरोवर है जहाँ से जो अमृत आ रहा है वो अमृत आपको मिलेगा, वो अमृत आप पी लो और उसके बाद आप उसको ना बॉटल में फिल करा के अपने घर में भी ले जा कर के रख सकते हो, जैसे कि हम लेके आए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ बैठे हुए थे। अब यहाँ हर जगह आपको गर्मियों में शबील मिलेगी शबील लाइक आप लोग उसको शरबत कह सकते हो। फिर हमने यहाँ पे शबील पी, उसके बाद फिर इवनिंग हो गई और हम चले गए थे बैक साइड। तो आज जो नेक्स्ट डे था वो हम लोग सुबह सुबह जब हम दरबार साहिब गए, हमने दर्शन किए, फिर हम चले गए थे शहीदों के गुरुद्वारे जो कि बैक साइड में बाबा दीप सिंह जी का, और ये पीछे की मार्केट है। यहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको ये ना घर में पहनने वाली चप्पलें, स्टोल और ये बाबा जी के रुमाले हैं जो बाबा जी पे चढ़ाए जाते हैं। ये यहाँ पे ऐसे कुछ पोस्टर्स हैं बाबा दीप सिंह जी के, मिट्टी के बने हुए हैं, और ये यहाँ पे घर में लगाने के लिए मॉडल्स हैं, सीनरीज़ हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके थे बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। यहाँ पर प्रसाद में देसी घी चढ़ाया जाता है और ये है गुरुद्वारे का इंटीरियर। बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है, बहुत मान्यता वाला गुरुद्वारा है। अगर आप जाइएगा तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। हमने यहाँ अपने जोड़े जमा कराए, उसके बाद यहाँ भी शबील मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पर ना जोत जलती है जिसमें घी डाला जाता है, और उस घी को आप अपने घर भी ले कर आना। वहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स में आपको घी देंगे, आप उस घी को घर लेके आना। उसके बाद फिर हम यहाँ चले गए थे लंगर हॉल में लंगर करने के लिए, मैं और हैरी साथ में ही बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लंगर किया। हैरी को मैंने आज काजल लगाया था, तो हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग ना, एक्चुअली ही इज़ क्यूट बिकॉज हिज़ मासी इज़ क्यूट, राइट। चलो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद ना यहाँ पे ना फ्री बुक्स अवेलेबल होती हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ये बुक्स ली थी, मम्मी ने पंजाबी वाली ली थी, मैंने इंग्लिश वाली ली थी। यहाँ पे ना ये लेमन जीरा लेमन सोडा बहुत मिलता है, कुलचे छोले ना खाओ पंजाब आके, ऐसा हो सकता है। 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे मिलती है, लोग क्रेड के क्रेड ही ले लेते हैं पूरे पूरे। ये बैक साइड का रास्ता है, बैक साइड से जा सकते हो। चलो आज है नेक्स्ट डे और मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए, तो चलो निकल चलते हैं बाहर के लिए।
उसके बाद हम यहाँ बाहर निकल चुके थे गाइस, और यहाँ हम पहुँच चुके थे आज दुर्गियाना मंदिर के लिए, और यहाँ पे हमने दुर्गियाना मंदिर के दर्शन किए। दुर्गियाना मंदिर भी यहाँ से बहुत पास में ही है, आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। यहाँ पे जब हम बाघा बॉर्डर गए थे तो दो टेम्पल्स के दर्शन कराए थे जो टेम्पो वाले भैया थे उन्होंने, तो वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। मैंने छोटी सी क्लिप इसमें डाल दी थी कि आप देख सकते हो कि हाँ हम यहाँ पे गए थे, शूज़ वगैरह यहाँ पे भी सबमिट होते हैं। और दुर्गियाना मंदिर जो है ना वो सेम एज़ गोल्डन टेम्पल जैसा ही बना हुआ है, वैसे ही पानी के बीच में सारा सिस्टम वैसा ही है। यहाँ पे भी लंगर फैसिलिटी, आप आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हो, सारी चीज़ें। बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर इस मंदिर का है। इवनिंग में हम फिर से आए यहाँ पे, बाबा जी के दर्शन किए, सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। गाइस अभी तक आपने डे व्यू देखा था, आज देख लो नाइट व्यू। तो नाइट व्यू देख लो, यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है। मैं ना अपना फ़ोन रख के यहाँ बैठ गई। अब आप इन चलते फिरते राहियों को देखो, आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा। सोचो मैं तो वहाँ थी तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था, लाइक आनंद आ गया। नेक्स्ट डे जब मैं अब ये था ना कि 4 दिन हो गए हैं, अब यहाँ से निकलना है, तो जो आत्मा थी ना अंदर की ना रो रही थी। जब मैं सुबह सुबह अमृत लेने के लिए गई यहाँ पे, आप देख सकते हो ना मेरा चेहरा उतर गया था एकदम, मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसा लग रहा था मेरी कोई चीज़ यहाँ रह गई है, मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरा घर आने का लिटरली मन नहीं कर रहा था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।